Hello students, now welcome to Statisticspedia. Now here today's video is all about to tell you about URATPG. Now URATPG जो है वो एक ऐसा entrance test है which is conducted by Rajasthan University. So अगर आप post graduation MSc, MA, MCOM में admissions लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये entrance test के लिए apply करना होगा. And let me tell you, I will tell you each and everything about कि आपका ये जो टेस्ट है उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा. स्टूडेंट सबसे पहले हम पहला जानते हैं कि what is the eligibility criteria. तो आपके ग्रेजुएशन में 55% एंड अबव आने चाहिए, then only you can take the admissions in your post graduation courses. अब हम आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात. अभी जो टाइम है वो आपका प्रेपरेशन टाइम है. यू हैव शॉर्ट ऑफ टाइम, उसमें आपको फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर तीनों को प्रिपेयर करना है. तो व्हाट इज द सिलेबस फॉर योर यूआरएटीपीजी एग्जाम, कि आपका फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों आएगा. अब सी स्टूडेंट्स, आपने जो है वो थर्ड ईयर एग्जाम आपने दे दिया है तो उसका अभी आपको सारा सिलेबस पता होगा. सो यू मस्ट फोकस ऑन योर फर्स्ट ईयर एज वेल एज ऑन योर सेकेंड ईयर सिलेबस. सो लेट मी टेल यू द एग्जाम पैटर्न. एग्जाम पैटर्न आपका क्या रहेगा? सो वी हैव 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपको 2 आवर्स पे अटेम्प्ट करने हैं एंड देर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर दैट. अब ये जो 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे उसका जो डोमेन है वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा. सो आपको अपने सब्जेक्ट से कंसर्न्ड ही आपके जो होंगे 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे विच यू हैव टू प्रिपेयर. सो हाउ यू हैव टू अप्रोच फॉर दिस एग्जाम बेसिकली, अभी आपको क्या करना है, अपना मेनली फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर पे फोकस करना है बिकॉज थर्ड ईयर अभी आप एग्जाम दे चुके हैं. सो यू हैव इन योर माइंड अबाउट द टॉपिक्स, बट फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को पढ़ना कैसे है दैट आई विल टेल यू. तो अभी आपका क्या है, इन माय नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो आई विल टेल यू द एंटायर प्रोसीजर कि आपको इस पेपर को कैसे तैयार करना है. देखिए ये आप फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे होंगे एंट्रेंस एग्जाम बिकॉज अभी आप ग्रेजुएशन देकर आए हैं, पूरा डिस्क्रिप्टिव मैनर में एग्जाम देना होता है. हियर यू हैव टू स्विच टू एन ऑब्जेक्टिव पैटर्न. सो आई विल टेल यू कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कैसे हमें अपने कोर्स को कम्प्लीट करना है. सो वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो. इन माई अपकमिंग वीडियो आई विल डेफिनेटली टेल यू अबाउट दिस. सो स्टूडेंट्स अभी क्या है कि जब ग्रेजुएशन में आपने जो भी अपने पास कोर्स में सब्जेक्ट्स लिए होंगे, वन कॉम्बिनेशन लाइक स्टैट्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथ्स एंड इको इफ यू हैव इन योर ग्रेजुएशन, सो स्टूडेंट्स आप फिल कर सकते हैं स्टैटिस्टिक्स के लिए भी, मैथ्स के लिए भी, इको के लिए भी फॉर योर एंट्रेंस टेस्ट depending upon your interest. But the what is your first priority you have to decide. Suppose if you want to take the admission in statistics, so give your 100% to the subject in which you really want to take the admission. Rest jo hai wo aapne fill kar diya ki suppose agar aapke first priority wale exam mein selection nahi hua then you can opt for the second subject. So take it as a backup for it. Selection procedure kya rahega? 30% मार्क्स विल बी टेकन फ्रॉम योर ग्रेजुएशन, जो ग्रेजुएशन का एग्रीगेट मार्क्स रहेगा उसमें से 30% लिया जाएगा एंड 70% मार्क्स विल बी टेकन फ्रॉम योर एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम. तो इस क्राइटेरिया के बेसिस पे आपका जो है वो सिलेक्शन होता है. इसमें एक मेरिट लिस्ट निकलती है और फर्स्ट, सेकेंड डिपेंडिंग अपॉन द डिपार्टमेंट्स. तो अभी मैंने आपको पूरा एक इंट्रोडक्शन पार्ट बता दिया अबाउट द यूआरएटीपीजी एग्जाम जो एक एंट्रेंस एग्जाम है आपके पीजी कोर्सेस के लिए. तो ऑफलाइन मोड पे है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है. सो जस्ट इन विद इन दैट शॉर्ट पीरियड स्टूडेंट्स यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट एंड यू हैव टू कवर द एंटायर सिलेबस ऑफ योर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर. पैटर्न में आपके क्वेश्चंस आएंगे सो यू हैव टू प्रिपेयर, यू हैव टू फॉलो दैट स्ट्रेटेजी. सो व्हाट स्ट्रेटेजी यू हैव टू फॉलो फॉर योर दिस एग्जाम, फॉर योर एंट्रेंस टेस्ट, that I will tell you in my next video. And also specially for the statistics I will tell you what topics you have to concentrate on जिसमें से maximum weightage के questions जो हैं वो बनते हैं, वो topic wise मैं आपको अपने next video में बताऊंगी. And so today video is all about the exam, about the selection procedure, about the eligibility criteria, and also I will tell you about the books which you have to refer. So thank you for today's video and do like and share. Thank you all the students.